आज हम बात करेंगे पुरुषों में पाए जाने वाला जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो कि पुरुषों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उनका उसका एक मुख्य पार्ट होता है। उसमें जब कैंसर डेवलप हो जाता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो प्रोस्टेट कैंसर है पुरुषों में वो उसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ उसके कौन से ऐसे कारण या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से यह जो है इसमें संभावना जो बढ़ जाती है प्रोस्टेट कैंसर की पुरुषों में, और उसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है, कौन सी जांचें वो करा के देखी जा सकती है, उसके साथ साथ होम्योपैथी आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके कि अच्छे रिजल्ट्स होते हैं होम्योपैथी में, इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। प्रोस्टेट कैंसर के अलावा मैंने पहले भी काफी कुछ वीडियोज हैं जो कि बनाए और अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, और उसके अलावा भी आगे भी मैं काफी कुछ जो ऐसी कैंसर सीरीज में जो छूट गया है उसके लिए भी मैं आगे लगातार वीडियोज है वो बनाता रहूंगा, ताकि आपको कैंसर के बारे में आपकी जो जानकारी है वो बढ़े। इसके अलावा भी रेगुलर शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रेगुलर हेल्थ अपडेट या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां। मेरा आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, आखिर जो ये डेवलप होता है प्रोस्टेट में, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो होती कहाँ पर है, और प्रोस्टेट आखिर होता क्या है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यह पुरुषों की एक ग्लैंड होती है जो कि पुरुषों में पाई जाती है, और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसका एक मुख्य पार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एक अखरोट के आकार की एक ग्रंथि होती है, और यह जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो पेशाब की थैली होती है, उसके जस्ट बाद में जस्ट नीचे यह स्थित होता है, यानी पेट के निचले हिस्से में जब आपका ब्लैडर खत्म होता है जहां पर, वहां पर यूरिथ्रा को पेशाब की जो नली होती है उसको घेरे हुए यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो स्थित होती है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सीमन, यानी जो वीर्य होता है, वीर्य का मुख्य पार्ट बनाने का काम करता है यह प्रोस्टेट ग्लैंड। और उस प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है जो कि इसमें सीमन के अंदर ये बनाता है, उसका मेन फंक्शन होता है जो स्पर्म आते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसको पोषण देना। और इस तरह से यह आपके सीमन का जो वीर्य का एक मुख्य भाग बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसके अंदर दो तरह से आपको ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ देखने को मिलती है। एक तो होती है बेनाइन, यानी जो कि नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, जिसको बोलते हैं BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जब आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उस ग्लैंड का जो आकार बढ़ जाता है उसके कारण यह जो होती है यह आपके यूरिथ्रा को जब कंप्रेस करती है उसके कारण यूरिन को पास होने में दिक्कत आती है, और अक्सर यह जो कंडीशन होती है 50 प्लस 50-55 साल की जो एज होती है उसके बाद की जो एज होती है उस एज में अक्सर देखने को मिलता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि यूरिन रात को बार बार आएगी, यूरिन में रुकावट फील होगी, यूरिन करने के बाद में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और इस तरह की जो कंडीशन होती है यह नॉन कैंसरस होती है, बिनाइन होती है, और यह बिनाइन यानी जो कि आपके आसपास के टिश्यू में नहीं फैलती है, इसमें कैंसर का खतरा नहीं होता है, जो कि पुरुषों में बहुत ही कॉमन होती है। उसके बाद में जो दूसरी जो ग्रोथ होती है वो होती है प्रोस्टेट कैंसर। उसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, सेल्स डिविजन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसका आकार जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और यह जो कैंसर डेवलप होता है उस प्रोस्टेट कैंसर को यह जो पास के सराउंडिंग जो एरिया होता है उसमें भी जो इसका फैलने का काफी रिस्क रहता है, और कई दफा ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन कराने के बावजूद भी ये जो कंडीशन है दोबारा बन सकती है। इस तरह से आप देखेंगे कि प्रोस्टेट में दो तरह की ग्रोथ जो होती है वो देखने को मिलती है, एक तो होती है नॉन कैंसरस बिनाइन और दूसरी होती है कैंसरस यानी प्रोस्टेट कैंसर। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंड जो स्टेज है प्रोस्टेट कैंसर उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि बिनाइन जो ग्रोथ होती है यानी प्रोस्टेट जो कि साधारणतया 50 प्लस के आसपास की जो एज होती है, 50-55 की जो एज होती है, उसमें अक्सर जो पुरुषों में यह बढ़ना शुरू हो जाती है जो कि बहुत कॉमन होती है, और उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में स्पेशली। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अगर प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसमें कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। यूजुअली आपको इनिशियल स्टेज में तो आपको कोई तरह के सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन अक्सर जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलेंगे जिससे आपको पता चल सके जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे जांच कराएंगे तो उसमें से जो मुख्य सिम्टम होते हैं वो होता है, एक तो आपको यूरिन में बार बार रुकावट होना, यूरिन का जो फ्लो होता है फ्लो कमजोर हो जाएगा, बार बार यूरिन लगेगी, और उसके अलावा यूरिन करने में आपको दिक्कत आ सकती है, जो यूरिन की जो हम बोलते हैं जो धार होती है यानी पोर स्ट्रीम होगी वो देखने को मिलेगी, खुल के यूरिन नहीं आएगा। इसके अलावा यूरिन में या सीमन में आपको ब्लड आ सकता है, खून देखने को मिल सकता है। जब आप सेक्स करते हैं तो उस समय जब वीर्य स्खलित होता है, सीमन डिस्चार्ज होता है, उस समय आपको उसके साथ में आपको पेन हो सकता है, दर्द का एहसास हो सकता है।
इसके अलावा आपको कमर में दर्द हो सकता है, आपको हिप्स में आपको पेन हो सकता है, अपर थाइज में आपको पेन हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में आपको भारीपन या आपको दर्द महसूस हो सकता है, इसके अलावा आपका वेट लॉस होना शुरू हो सकता है। यह कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसे कौन से कारण या ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपको ये जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसका खतरा बढ़ जाता है। तो एक तो जो जब कभी भी प्रोस्टेट कैंसर का जो कारण अगर उसकी बात करें तो इसमें जब आपकी प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर जब एक अनियंत्रित कुछ ग्रोथ होती है वो शुरू हो जाती है, जो कि उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं उसके कारण ऐसा होता है। तो यह जो इस तरह की जो अनियंत्रित ग्रोथ शुरू होती है सेल्स के अंदर, सेल्स डिवीजन होना शुरू हो जाता है, उसके कारण इस ग्रंथि का जो आकार होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और वहां पर प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। और इसमें ज्यादा जब ये डिजीज आगे बढ़ जाती है तो ये आसपास की जो सराउंडिंग एरिया होता है वहां पर भी इसके फैलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है इसमें एज बढ़ने के साथ साथ, यानी 50-55 की एज के बाद में इसकी जो चांसेस होते हैं, जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है पुरुषों में। और उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर आपके परिवार में ऐसी समस्या है, प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री रही है, या परिवार की जो महिलाएं होती है उसमें ओवरी में या ब्रेस्ट में कोई कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो उस कंडीशन में आपको भी इस तरह के जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसकी रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपको वजन ज्यादा है, आप ओबेज हैं, तो उसके कारण भी आपकी जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। या फिर आपको अगर कुछ एसटीडी से आप ग्रसित है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से आप ग्रसित हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको इसकी जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। ये इसके कुछ कारण या रिस्क फैक्टर होते हैं प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने के। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की, ऐसी कौन कौन सी जांचें हैं जो कि आप करवा के देख सकते हैं जिसकी सहायता से आपको पता चल सके कि कहीं आपको प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है। यूजुअली जब कभी भी आपको यूरिन से संबंधित ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, रुकावट आना या बार बार यूरिन लगना, ओवर स्ट्रीम होना, या जो भी आपको सिम्टम्स होता है ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो नजदीकी आपको जो अपने डॉक्टर है उनसे आपको संपर्क करना चाहिए ताकि वो आपकी जांच करके देख सकें। जब कभी भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपके करवा के देखे जा सकते हैं, जैसे कि आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आपका करवाया जा सकता है, यानी आपके मल द्वार में फिंगर डाल के डॉक्टर जो होते हैं वो आपकी चेक करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या बदलाव आ रहे हैं, महसूस करते हैं उसको। और उसके अलावा जो दूसरे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करा के देखे जा सकते हैं, उसके साथ साथ आपकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है कि कहीं आपके परिवार में इस तरह के कैंसर की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। उसके साथ में अगर डॉक्टर को डाउट होता है तो वो आपकी पेट की सोनोग्राफी करवा सकते हैं, MRI करवा के देखे जा सकती है। इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट होता है, PSA टेस्ट करवा के देखा जा सकता है, और उसमें अगर PSA बढ़ा हुआ आता है और अगर डॉक्टर को डाउट होता है तो वो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी भी करके देख सकते हैं। बायोप्सी में एक वहां का टुकड़ा लिया जाता है, उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि कहीं उसमें कैंसर सेल्स जो है वो तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। इस तरह से उसके कुछ टेस्ट होते हैं जो कि टेस्ट करवा के देखे जाते हैं इसकी पुष्टि करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर प्रोस्टेट कैंसर आपको डायग्नोस होता है तो इसमें आपको होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स देती है। जब कभी भी आपको प्रोस्टेट कैंसर अगर डायग्नोस होता है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट या जिन डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप उनके डॉक्टर के टच में रहें, जैसे वो कहते हैं उनको जरूर फॉलो करें, और उसके साथ साथ अपने कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आपको इसमें हेल्प कर सकती है, जैसे कि जिसके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो आप अपने एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ आप ले सकते हैं, तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती है। इसमें कुछ खास दवाइयां हैं जो कि अच्छे रिजल्ट्स देती है, उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो वो है कार्सिनोसिनम 200। कैंसर डेवलप हो जाता है वहां पर इसकी खास दवा होती है, इसको 3 मुंह डायट टंग पर वीक में एक बार दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि है थुजा 200 भी इस तरह की जो कंडीशन डेवलप हो जाती है उसमें आपको दिन में एक बार देने से आप उसमें काफी राहत मिलती है, 3 मुंह डायट टंग पर थुजा 200। यह जहां कहीं भी ओवरग्रोथ होती है वहां पर थुजा 200 अच्छा काम करती है और जरूरत के हिसाब से इसकी पोटेंसी भी बढ़ा के दी जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सबल सेरुलटा का मदर टीचर, इसको 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डाल के दिया जाता है। इसके अलावा चीमाफिला मदर टीचर है, वो भी इसमें अच्छे रिजल्ट देता है, उसको भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिपासी पीने के लिए दिया जाता है। ये आपके यूरिन के फ्लो को भी बढ़ाने में आपकी मदद करती है। और उसके साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन है जो कि अच्छे रिजल्ट देती है, जैसे कि सिस्टर स्कैन 30, यह भी प्रोस्टेट कैंसर की खास दवा है, 3-3 मुंह डायट पर दिन में 3 बार अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ। उसके बाद में और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स के आधार पर और भी खूब सारी मेडिसिन होती है होम्योपैथी में जो कि सिम्टम के आधार पर दी जाती है, जैसे क्रोटालस हॉरिडस दी जा सकती है, इसके अलावा होंगनान का मदर टिंचर इसमें दिया जा सकता है, कोनियम मैकुलेटम इसमें दिया जा सकता है,
और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पर देने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, राहत मिलती है। इसलिए आपको मैं सजेशन दूंगा, जब कभी भी आपके साथ में ऐसी समस्या है, कोई भी आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, तो हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।